मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में डाइवर्सिटी टुडे आवर टॉपिक इज डाइवर्सिटी। और कल हमने जो पढ़ा था द स्टोरी ऑफ समीर, समीर की स्टोरी के बारे में जाना था कि दोनों ही समीर में कितने सारे डिफरेंसेस थे। इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी वहाँ पर एक समानता थी। आज हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। आमतौर पर जो डाइवर्सिटी का मीन्स मतलब अर्थ होता है लोगों या अपने चारों ओर की वस्तुओं के संदर्भ में, इसे रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी है वो भाषा, धर्म यानी कि लैंग्वेजेस, रिलीजियंस और ईटिंग हैबिट्स, भोजन की आदतों आदि के आधार पर लोगों के बीच में जो अंतर होता है उसको डिफाइन या परिभाषित किया जा सकता है। हमारे आसपास के लोग जो अलग अलग धर्मों के अनुयायी हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, कई बार लोगों में भोजन की आदतें भी अलग अलग होती हैं। कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर हम देखते हैं कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया के लोग हैं उनकी खाने की आदतें अलग अलग होती हैं, और जो साउथ इंडिया है उनके लोगों की खाने की आदतें अलग अलग होती थी। अब ये मान लीजिए कि हम एक ही जाति, धर्म या मतलब एक जैसे हमारे रीति रिवाज हैं, अगर हम ऐसे ही लोग हमारे चारों ओर रहते हों तो क्या हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं? क्योंकि हमें उन सब के साथ रहने की आदत है, हमें पता है कि हमारे रीति रिवाज, उनके रीति रिवाज, हमारी बोली, उनकी बोली सब सेम है, तो हम उनसे कुछ सीख नहीं सकते और रहने में कुछ इतना आनंद भी नहीं आएगा, हमारा जो जीवन है वो उदासीन हो जाएगा। लेकिन ये जो विविधता है, ये जो डाइवर्सिटी है, ये हमें अगर ये हमारे चारों तरफ विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न हमारे रीति रिवाजों के लोग अगर एक साथ रहेंगे तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे की लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं, उनके रीति रिवाज सीखने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जो जीवन होता है वो आनंदमय हो जाता है। इस प्रकार हमने यहाँ पर अपने भारत के बारे में जाना कि हमारे कितनी सारी डाइवर्सिटीज होने के बावजूद भी एकता हमें दिखाई देती है, और कल हम डाइवर्सिटी इन इंडिया के बारे में जानेंगे।